Hello everyone, welcome or welcome back to my channel. My name is Dr. Nisha and in today's video lecture we are going to study about antimonium arsenicosum. ठीक है, तो ये नाम कुछ जाना माना सा नाम है, right? So antimonium, antimony, then arsenicosum, it's quietly related to, मतलब you know, similar to arsenic, fine? So इन दोनों का मिक्सचर है, that is arsenate of antimony, right? सो ये रेमेडी किस चीज के लिए दी जाती है? दिस रेमेडी इज मोर ओवर पर्टिकुलरली गिवन और यू नो इज प्रिस्क्राइब्ड टू द रेस्पायरेटरी कंप्लेंट्स. सो व्हाट काइंड ऑफ रेस्पायरेटरी कंप्लेंट्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी नाउ. सो इट इज अर्सेनेट ऑफ एंटीमनी एंड हैज बीन एडवोकेटेड ग्रेटली इन एम्फाइसीमा. सो मोस्ट ऑफ द कंप्लेंट इन द ओल्ड एज या फिर after 30s, what the respiratory complaints basically you will get in homeopathy is COPD, ठीक है, one of this complaint, ठीक है. तो है ना, COPD के बहुत ज्यादा commonly देखे जाने वाले patients है, अभी तो बहुत ज्यादा देखे जाते हैं COPD के patients. So one of the type of COPD is that is emphysema. So जो जब emphysema के patient आते हैं, आप अगर constitutional remedy दे देते हो, constitutional remedy अगर act नहीं करती या फिर है ना you wanted, मतलब अभी patient आता है मेरे clinic में, then I just you know give him symptomatic remedy and then again I'll call him पूरा केस लेके मैं ना, अगर वो पेशेंट नहीं मतलब पेशेंट पेशेंस से काम नहीं ले रहा, देन आई विल कॉल हिम आफ्टर 3 to 4 days टू टेक हिज रेमेडी, या फिर आई विल डनजो हिज रेमेडी इन द नेक्स्ट डे. आई विल टेल कि नहीं, आई डोंट हैव द रेमेडी विथ मी, आई विल डनजो, ठीक है, तो मैं वो करती हूँ, या फिर आई विल कुरियर टू योर प्लेस, ठीक है, तो मैं वो करती हूँ. और जब मैं उनको रेमेडी देती हूँ अभी फिलहाल के लिए, तो वो सिम्टम बेस पे देती हूँ. सो दैट क्या होता है, मतलब उसका सिम्टम तो रिलीफ हो जाता है थोड़ा बहुत, और मैं कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडी रेपर्टराइज करके मुझे थोड़ा टाइम चाहिए रहता है, तो मैं उतने में रेपर्टराइजेशन करके पूरा उसका स्टडी करके, उसके थर्मल्स पे वर्क करके, उसके कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क करके, सब पे वर्क करके मैं उसको वो रेमेडी देती हूँ. दैट टू आई गिव आफ्टर 1 or 2 days आफ्टर आई डन. This is what my type is. Just because I am in a learning process, I need some time to study the person. So I do such a way. Now, coming back to the remedy, that is, this remedy is given for emphysema. It is also given for cough. Matlab, more catarrhal conditions pe diye jate hain. Then, catarrhal pneumonia mein de jati hai. Then, emphysema, pleurisy after effects of. Theek hai? तो इस सारी चीजों में दिया जाता है ये रेमेडी, फाइन. नाउ रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स. सो एक चीज इसमें ध्यान में रखना, आई टेल यू बाद में भी, लेकिन यहां पे ना रेस्पिरेटरी कंप्लेंट्स एसोसिएटेड विद द हार्ट कंप्लेंट्स आर प्रेजेंट, राइट. सो आपको जहां जहां रेस्पिरेटरी कंप्लेंट मिलती है, वहां वहां आपको एसोसिएटेड कार्डियक प्रॉब्लम्स भी मिलते हैं. सो लेट्स स्टडी आर्सेनिकम, सॉरी एंटीमोनियम अर्स हैज बीन फाउंड वेरी यूजफुल इन द एम्फाइसीमा विथ एक्सेसिव डिस्निया एंड कॉफ. वहां पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव ब्रेथलेसनेस होता है क्योंकि कटारल कंडीशन है, पूरा म्यूकस मेम्ब्रेन फुल हो जाता है ट्रैक में, ठीक है, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्रेथलेसनेस हो रहा है, शॉर्टनिंग ऑफ द ल्यूमेंस, इसकी वजह से ब्रेथलेसनेस हो रहा है. सो यू नो लेबरस ब्रीदिंग विल बी सीन इन दिस काइंड ऑफ पेशेंट्स, देन मोर लाउडर कॉफ एंड दैट कॉफ टू वेरी डिफिकल्ट टाइप ऑफ कॉफ, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, उनको खांसने में भी तकलीफ होती है क्योंकि सांस फूलने लगती है तो खांसेंगे कैसे, ठीक है. सो देयर विल बी प्रॉब्लम. देन कॉफ विद द म्यूकस सिक्रेशन एंड इज एग्रीवेटेड बाय ईटिंग एंड लाइंग डाउन. इट इज एग्रीवेटेड व्हेन ईटिंग एंड लाइंग डाउन. दिस इज क्वाइट मोर इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू आस्क दिस टू योर पेशेंट, अदरवाइज यू कांट गिव द रेमेडी, ठीक है. रेमेडी डिफ्रेंशिएशन, इफ टू रेमेडीज आर सिमिलर देन हाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट द रेमेडीज, तो हम लोग एग्रीवेशन पूछेंगे, एमलरेशन पूछेंगे. मोर ओवर यू शुड बी फोकसिंग ऑन द एग्रीवेशन एंड देन यू आर आस्किंग द एमलरेशन, ठीक है. सो पहले तो एग्रीवेशन देख लेना एंड देन यू शुड बी looking for the temperament, then you should be looking for the diathesis, miasms, then you should be looking for the thermals. These are all the points which you have to, you know, look in the patient and then only you can prescribe the remedy properly. So it is preferably affect upper left lung, theek hai? So upper lobe of left lung. Moreover, this remedy is given for the left-sided affections of catarrhal left-sided affections, theek hai? So what DM Chaudhary says,
after pneumonia and the pleurisy, when all the acute symptoms have subsided and only the dyspnea remains, a few doses of antimonium earth will be useful. ठीक है, जब पूरा निमोनिया चला जाता है तब सिर्फ और सिर्फ डिस्निया रहता है. लाइक मोर ओवर आई हैव सीन इन माई मैम के पास, मैंने देखा है कि है ना मैम अर्सेनिकम सॉरी एंटीमोनियम अर्स कब देते थे कि जब ना कोविड का जो निमोनिया था ना, जो कोविड का निमोनिया होने के बाद भी पेशेंट को कुछ ना कुछ कंप्लेंट रहती थी ना, दैट टाइम शी यूज टू गिव. मतलब अगर वो हो जाता था कोविड में तो वो दे देते थे, लेकिन अगर कोविड के बाद उनको कुछ कंप्लेंट रहती है, लाइक रेस्पिरेशन में कुछ कंप्लेंट रहती है या फिर O2 उनका इंक्रीज ही नहीं हो रहा है, दैट टाइम शी यूज टू गिव दिस रेमेडी. ठीक है, एंड दैट टू इन अ थर्ड पोटेंसी. फाइन, दिस इज मोर इम्पोर्टेंट. ठीक है, नाउ ये सब कुछ सिर्फ ये बुक में दिया है. सो वॉट मोर इन दिस रेमेडी यू शुड अंडरस्टैंडिंग इज, ये बोरिक में दिया गया ये लाइन है. सी आई हैव रिमूव द रेफरेंस ऑल्सो फ्रॉम बोरिक मटेरिया मेडिका. या हियर, सो पेज नंबर इज 51 हियर. ठीक है, तो वही मैंने लिखा है मेरी बुक में. सो आई रीड इट आउट फॉर यू गाइज. नाउ मायोकार्डाइटिस एंड कार्डियक वीकनेस प्रेजेंट इन द पेशेंट, ठीक है, देन यू कैन गिव दिस रेमेडी. दैट्स वॉट आई एम सेइंग कि है ना, लंग्स अफेक्शन विद सम ऑफ द कार्डियक अफेक्शंस. ठीक है, देन प्लूरसी लेफ्ट साइडेड एंड इफ्यूजन एक्सुडेशन एंड पेरिकार्डाइटिस. सी प्लूरसी एंड पेरिकार्डाइटिस प्रेजेंट लेफ्ट साइडेड. ठीक है, देन सेंस ऑफ वीकनेस ऑल ओवर द बॉडी, इवन इन द हार्ट, इवन इन द लंग्स, इवन इन द एक्सट्रीमिटीज, इवन इन होल जनरल वीकनेस इज ऑल्सो प्रेजेंट. मतलब उनको है ना वो बोलेंगे कि नहीं डॉक्टर अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ वीकनेस से ही फील हो रहा है निमोनिया के बाद. मोर ओवर पेशेंट्स ऐसे डेबिलेट हो जाते कि यार नहीं थोड़ा यू नो अच्छा नहीं लग रहा डॉक्टर, सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, खांसते समय भी ना ऐसे लग रहा है कि ना पूरा ताकत खत्म हो गया, कैसे खांसू, मतलब किसी चीज को करने का मन नहीं कर रहा है, इतना लूज लग रहा है, इतना वीक लग रहा है. सो दिस काइंड ऑफ पेशेंट दैट इज सेंस ऑफ वीकनेस प्रेजेंट. देन मोर ओवरली सीन इज कटारल निमोनिया एसोसिएटेड विद इन्फ्लुएंजा. सो स्टार्टिंग विद द इन्फ्लुएंजा एंड देन एंडिंग इट इन टू द निमोनिक कंडीशन या फिर प्लूरसी कंडीशन. ठीक है, नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम पेशेंट विल हैव एम्फाइसीमा, बट देयर कैन बी इन्फ्लुएंजा ऑल्सो. ठीक है, सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द रेमेडी, दिस इज द वेरी शॉर्ट एंड क्विक रेमेडी विच इज यू नो ऑन गोइंग क्विक प्रिस्क्रिप्शन ऑन योर क्लिनिक. सो दिस वॉज इट, दिस वॉज द रेमेडी दैट इज एंटीमोनियम अर्सेनिकोसम. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रेमेडी एंड इफ डू देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल. थैंक यू.